वेलकम बैक टू लेक्चर 3। पिछले लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ सीख चुका है अब, ठीक है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, दूसरे में हमने प्रॉब्लम सेशन देखा था, और तीसरे में हमने SHM का जो बेसिक पार्ट है, ठीक है, यानी SHM का जो वेव्स का इक्वेशन है, ठीक है, वेलोसिटी है, एनर्जी इक्वेशन है, सबका एवरेज वगैरह भी हमने देखा था। और लास्ट तक हमने इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के मैथमेटिकल जो रिलेशंस हैं वो देखे थे, और हमने एक प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस किया था, और उसका उस प्रॉब्लम से हमने ये पता लगाया था कि क्या हमें कैसे हम किसी भी पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल फंक्शन दिया हो तो कैसे हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजिशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने कर चुका है, और ये जो लेक्चर है ना, आज से जो लेक्चर शुरू होंगे, लेक्चर 4 से, लेक्चर 3 जो थे, 3 जो लेक्चर थे वो, मतलब ये बेसिक तो थे ही, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये थे कि उनमें हमने सीखा था कि हमको आगे उससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में, आज हम जो इस लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस लेक्चर के बाद आप क्या कर सकेंगे खुद से, ठीक है। अगर आपको कोई पोटेंशियल फंक्शन दिया हो तो आप उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो पिछले क्लास में मैंने जो आपको प्रॉब्लम दिया था, ठीक है, पिछले क्लास में जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिया था, आई होप वो याद तो नहीं आ रहा मुझे क्या था, लेकिन वैसे प्रॉब्लम्स का आप फाइंड आउट कर सकते हैं खुद से, आप टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, कोई अगर वैसा ही मिल जाए तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है Vx जो दिया है, अगर आपका हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर, m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस a बाई टू एम एक्स स्क्वायर, a बाई टू एम एक्स स्क्वायर, अगर ये फंक्शन है कोई पोटेंशियल एनर्जी का, तो आप इसका भी आप फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इस लेक्चर को फिनिश आउट करने के बाद, ठीक है। तो ये मैं बता दिया कि जैसे एक आपको पता होना चाहिए कि आप इसके बाद क्या कर सकेंगे, इस लेक्चर के बाद क्या क्या, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताइए इस पोटेंशियल फंक्शन अगर आपका ये है तो क्या आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, अगर निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते हैं तो इसी लेक्चर में हम लोग इसको सीखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ये देखा था कि इसका, इस पोटेंशियल फंक्शन का आप इक्विलिब्रियम पोजीशंस निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन आप इजीली निकाल सकते हैं। आप ये बता सकते थे कि कौन से एक्स के वैल्यू के लिए स्टेबल होगा, ठीक है, किस एक्स के वैल्यू के लिए अनस्टेबल होगा, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग टाइम पीरियड निकालना देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो अभी आज का लेक्चर शुरू करते हैं अभी से। तो देखो, हमने पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था हमने कि आपका स्प्रिंग, अगर ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, समझ लो कि ये एक स्प्रिंग है, मैंने बनाया तो है नहीं लेकिन ठीक है, चलो बना देते हैं, ये स्प्रिंग है, एज्यूम कर लो, ठीक है, स्प्रिंग से ये मास कनेक्टेड है। तो हमने देखा था कि अगर इसका मीन पोजीशन एक्स नॉट है, मीन पोजीशन अगर इसका एक्स नॉट है, और हमने थोड़ा सा एक्सपांसन कर दिया, ठीक है, और इसको यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर ले जाकर रख दिए, तो इसका फाइनल एक्सपेंशन कितना होगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, ये इसका एक्सपेंशन होगा, ऑब्वियस है, एक्स नॉट इसका मीन पोजीशन है, यानी यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसको, ये इसका स्टेबल मीन पोजीशन है, इससे हमने थोड़ा सा एक्सपेंशन किया, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्सपेंशन हो गया इसका, इतना हमने इसको दूर लेकर गया यहाँ से, ठीक है, ये दूरी हमने इसका बढ़ा दिया यहाँ से, तो इस पर फोर्स लगेगा, इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसके इसमें स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका फोर्स हो गया, ये सब हमने देख चुका है। तो अब आप इसका SHM का इक्वेशन आप लिख सकते हैं यहाँ से। अब एनर्जी से, आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी के रिलेशन से हम लोग कैसे ये सब पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको K मिल गया, तो आप फिर इजीली आप कर सकते हैं 2π, इसका टाइम पीरियड अगर आपको निकालना हो, ये टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है, या आपको ओमेगा स्क्वायर निकालना हो, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, K/m होता है, ठीक है, K/m होता है, ये K क्या है आपका, ये K है आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, और m क्या है, मास, ठीक है। तो ये मास मतलब एक्चुअली है क्या, ये एक इनर्सिया है, ये इनर्सिया है, ठीक है, क्योंकि अगर आपका एक मास है तो ठीक है, आपके कई मास है जाएंगे तो आपको उस केस में रिड्यूस मास भी हो सकता है लेना पड़े, ठीक है। तो ये जनरली आप इसको मास ही मत कंसिडर करिए, अभी आगे हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि ये सिर्फ मास ही नहीं रहेगा, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्जी है, कुछ भी हो सकता है ये,
ठीक है, मतलब मास ही रहेगा, लेकिन ये और भी इसका इसका और भी पहचान हो सकता है, ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स में। टी हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर, आप निकाल सकते हैं सिंपली फोर्स के रिलेशन से। आप इसको एनर्जी के रिलेशन से भी देख सकते हैं। अगर इस स्प्रिंग को मैंने यहाँ से यहाँ तक ले जाकर रखा है, ठीक है, इस पोजीशन से मैंने इस पोजीशन पर ले जाकर रखा है, तो इसका एनर्जी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ होगा, एनर्जी स्टोर हुआ होगा ना, स्प्रिंग है, हमने इसको यहाँ से एक्सपैंड किया, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि एनर्जी हो गया है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि एनर्जी है कि नहीं इसके अंदर, ठीक है। आप हाथ वहाँ पर रख के, आप मेन पोजिशन पर अपना उंगली रखिए, उसको फिर छोड़ दीजिए, आपको वहाँ से जाकर वो स्ट्राइक करेगा, आपको हिट करेगा वो, ठीक है। तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। वो कहाँ से आया, आपने इसको पोटेंशियल एनर्जी दिया था, ठीक है, आपने इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपने वर्क किया था, वहीं वर्क आपको फिर दोबारा मिल रहा है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता कितना, स्प्रिंग के लिए आपको पता होगा कितना होता है, हाफ के इंटू ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स माइनस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका स्क्वायर, यही होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता होगा मैकेनिक्स में कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पता है, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फोर्स। फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, तो आप माइनस डी यू बाई डी एक्स से आप फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्स निकल गया तो फिर आप इसी रिलेशन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए एक बार, आपको खुद मिल जाएगा, देखिए टू इंटू, ठीक है, टू इंटू ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस रहेगा यहाँ पर के, और ये एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। यानी वही रिलेशन आपका फिर से आ जाएगा। आप इसको एक बार और आप डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये तो है माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स कितना होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना बस, और क्या भाई, और कुछ तो होगा नहीं, ठीक है। इसको आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा आपका के हो जाएगा, ठीक है, सिंपली बस के बच जाएगा, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। और एक्स नॉट तो क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो आपका फाइनली वैल्यू क्या आएगा, के। तो के है क्या, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लिए, वो है क्या कि अगर डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले, तो वो क्या देता है आपको, आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दे रहा है, ठीक है। यानी एनर्जी से ही आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आपको एक बार ये स्प्रिंग कांस्टेंट मिल गया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप वहाँ से टाइम पीरियड वगैरह सब निकाल सकते हैं। आप सीधे ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे उस केस में, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे के बाई एम, ठीक है, आपको हो जाएगा, सब मिल जाएगा आपको वहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं जो आपका एनर्जी रिलेशन जो है। ये तो हमने छोटा सा एक स्प्रिंग मास के लिए देखा ना, तो इसको जनरलाइज करते हैं थोड़ा सा। अगर किसी भी सिस्टम के लिए उसका एनर्जी यू एक्स है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे उसका एनर्जी यू एक्स है, तो और इसका ऑसिलेशन हो रहा है, तो ऑसिलेशन होगा तो जरूर इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन होगा, क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन होगा। मानते हैं कि वो एक्स नॉट है, जैसे अपने पिछले केस में ही था, वैसे एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्स नॉट के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या एक्स नॉट के टर्म्स में, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखो एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट और प्लस एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, और आपका फाइनली ये बच जाएगा यू एक्स, ठीक है, बस ये एक्स बच जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है, इसको एक्सपैंड करते हैं यूजिंग, अगर जिसको नहीं पता है टेलर्स एक्सपांसन तो जरूर पता कर लो, क्योंकि अगर एग्जाम्स में देखे ना, अगर जैसे मैं आईआईटी जंग की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर तो आपको ऐसे ही देगा जाता है ये टेलर एक्सपांसन, ठीक है, एक नंबर आपको टेलर एक्सपांसन देगा जाता है, फ्री का नंबर है ये, ठीक है, टेलर एक्सपांसन, तो इसको आप जरूर देखें, ठीक है। हालांकि मैं वन बाई वन सारे टॉपिक्स मैं कवर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको मेरे लेक्चर्स एक तो मिलेंगे वन बाय काफ़ी इंटरवल के बाद मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेक्चर्स होते हैं, एक दिन में दो दो लेक्चर्स आपको पीरियड्स पे मिलते हैं, ठीक है, तो आपको एक दिन में दो दो लेक्चर्स मिलेंगे, तो मेरा जो लेक्चर का टर्न आएगा, ठीक है, वो 5 या 3 या 4 दिन के बाद आएगा, तो ऐसे होता है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मैं कंटिन्यूस लेक्चर अपलोड नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर आपको कंटिन्यूस लेक्चर चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको कर सकता हूँ, आप ठीक है, आप मेरे जो चैनल है, मेरा जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा जरूर, उसको आप वहाँ से चेकआउट करें, ठीक है, वहाँ पर आपको उसके सिलेबस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं वहाँ पर अगर सोलिड स्टेट का लेक्चर मैंने पूरा ख़त्म किया है, ठीक है, बस थोड़ी स्टेट ही ख़त्म किया अभी, हालांकि उसका थोड़ा लेक्चर को क्वालिटी जो है
वो मतलब वीडियो जो क्वालिटी है, अंदर जो कंटेंट है वो तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी उनको हेल्प मिला है इससे, मुझे पता है इतना, ठीक है। तो आप उसको जाकर फिनिश आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ से, और भी धीरे धीरे लेक्चर्स अपलोड होंगे उस पर। तो पहले उसको आप सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लेक्चर्स कंटिन्यूस अपलोड करने थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, काफ़ी गैप हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से अपलोड भी कर देता हूँ तो ठीक है, वहाँ पर अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको 2-3 दिन बाद मिलेगा, और इससे उतना टाइम तो है नहीं, ठीक है। तो UX जो होगा, तो कोई यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलेंगे ना, वो CSIR नेट के लिए मिलेंगे मैक्सिमम, ठीक है, CSIR नेट के लेवल के मिलेंगे, ठीक है। IITJM में आपको एक एक काफ़ी डिफाइंड तरीके से आपको चलना होगा, ठीक है, क्योंकि उसका सिलेबस जो है ना काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। ठीक है, तो इसको चलिए, इसको हम लोग टेलर एक्सपांशन के हेल्प से हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा UX0। जिसको नहीं आता भाई टेलर एक्सपांशन, और टेलर एक्सपांशन जान ले पहले, ठीक है, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। एट X0, ठीक है, DU/DX निकालना है एट X0, ठीक है, फिर प्लस ऐसे ही चलता जाएगा आपका, X-X0 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, DU/DX का ये डबल डेरिवेटिव होगा एट X0 पे ही, ठीक है। सारा जो आप DU/DX निकालेंगे, फिर उस जो वैल्यू आएगा उसमें आप X की जगह क्या रख देंगे, X0 रखेंगे। X0 क्या है अभी बताया, X0 क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, आपको पता होगा, आप उससे वहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने निकालना सीख चुका है, ठीक है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। पिछले लेक्चर में हमने यही देखा है कि आप स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस नहीं करना है। तो ऐसे ही ये टर्म जो है ये चलता जाएगा। देखो, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है टेलर एक्सपांशन, ठीक है, आपको लिमिट्स के प्रॉब्लम्स मिलेंगे तो आपको एक्सपांशन करना होता है। एक्सपांशन आप याद करते थे, ठीक है, EX^(x) का एक्सपांशन क्या होगा, sin x का एक्सपांशन क्या होगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपांशन बस टेलर की मदद से आपको कर सकते हैं, टेलर एक्सपांशन की मदद से आप इजीली कर सकते हैं किसी भी चीज़ का एक्सपांशन, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, ठीक है, सेक एक्स, किसी भी चीज़ का एक्सपांशन आप कर सकते हैं, हाँ, अगर वो डिफाइंड हो, डेरिवेबल, उसका एंड डेरिवेटिव तक वो डिफरेंशिएबल हो, तो वो कंडीशन है टेलर्स के कुछ। तो ये है, ठीक है, अपना UX अपना निकाल रहे हैं हम लोग, UX0। अब देखो, ये DU/DX एट X0 क्या होगा, सोचो, DU/DX क्या होता है, फोर्स होता है ना, -DU/DX फोर्स होता है, ठीक है। तो अगर फोर्स जीरो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन X0 पे, फोर्स तो जीरो होगा, ठीक है, हमको पता है कि जब स्प्रिंग अगर स्टेबल मीन पोजीशन पे, उस केस में उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसे ही फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसको हमको डिस्कस ही नहीं करना, तो ये टर्म तो ऐसे ही जीरो हो गया, बचा ये वाला टर्म, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं X-X0 होल स्क्वायर DU/DX स्क्वायर एट एक्स, इसमें भी निकाल के हम लोग X0 रख देंगे, ठीक है, इसमें भी हम लोग निकाल के X0 रख देंगे। अब देखो, ये बाकी आगे के जो टर्म्स आएंगे उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो ऑसिलेशन या एसेशन डिस्कस करेंगे वो बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए करेंगे, ठीक है। तो X-X0 का जो वैल्यू आएगा, ये जो X-X0 का जो वैल्यू आएगा ये बहुत छोटा होगा, तो अगर इसका क्यूब लें आप तो और छोटा हो जाएगा, पावर फोर्थ लें तो और छोटा हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं, तो हम बाकी के टर्म्स निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, हायर ऑर्डर जो है इसका वो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा ये टर्म बच गया, ठीक है, UX जो है हमारा ये टर्म बच गया। अभी हमने शुरू में ही बताया था आपको कि ये DU/DX स्क्वायर एट X0 क्या होगा, हम लोग K लिखेंगे इसको, ठीक है, K लिखेंगे, आपको पता है ही, मैंने तो इसीलिए थोड़ा सा पहले ही मैंने ये बता दिया कि इसको हम लोग K लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का मैंने हेल्प से बताया आपको कि हम लोग K लिखेंगे, ठीक है। ओहो, एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ये by 1 factorial होता है, ठीक है, फिर इसमें 2 factorial होता है, फिर ऐसे ही इसमें X-X0/3 का 3 factorial DU/DX³ ऐसे होता जाता है, ठीक है, नीचे 2 factorial मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, K/2 X-X0² ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं, K/2 हो गया X-X0² K मैंने किसको माना, DU/DX² को मैंने माना है K, ठीक है, बाकी अपना आगे का निगलेक्टेड है। तो हमको ये हमको टर्म मिल गया, ठीक है, हमको ये टर्म मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, ये जो UX मिल गया आपको, UX=UX0 K/2 X-X0² ठीक है, ये हमारा मिल गया एक एक एनर्जी और आपका एनर्जी और डिस्टेंस में एक आपको रिलेशन मिल गया है, लेकिन
इससे हम लोग हेल्प कैसे लेंगे? अब देखो ये एक के जो है, ठीक है, ये क्या है, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इजकल टू एक्स नॉट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रॉब्लम्स में आपको एक्स नॉट निकालना है, ठीक है। स्टेबल मीन पोजीशन आपको हमेशा पहले पता कर लेना ऑसिलेशन में, ठीक है। या जो मैंने सेशन सेकेंड मेरा लेक्चर था उसमें मैंने बताया कि पहला जो इस सिचुएशन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है, सबसे पहले आप स्टेबल मीन पोजीशन को पता करिए, ठीक है, वो है तभी ऑसिलेशन होगा। तो एक्स नॉट आप पता कर लीजिए यहाँ से, फिर एक्स नॉट पता हो गया तो फिर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के एक्स जे पे एक्स नॉट रख दीजिए। अभी हम लोग देखेंगे इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया के बाई टू एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया एक ऑसिलेशन के लिए, ठीक है, ये क्या है एस एच एम के लिए हमने इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। तो एक्स नॉट क्या है, यू एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट पे एनर्जी है, ठीक है, उस एक्स नॉट उस स्टेबल मीन पोजीशन पे भी एनर्जी जो होगा वो हम लोग यू एक्स नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो अब जीरो कुछ भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है, कुछ आप एज्यूम कर सकते हैं वहाँ पे। और बाकी ये अब अगर आप स्प्रिंग का ही देखो तो स्प्रिंग वाला ही तो चीज़ आ गया ये। अगर मैं स्प्रिंग का जो मैंने अभी डिस्कस किया था उसमें जो मैंने डिस्कस किया था स्प्रिंग वाला केस, अगर मैं ये एज्यूम किया रहता कि यहाँ पर इसका मीन पोजीशन जो था एक्स नॉट, यहाँ पर अगर इसकी एनर्जी यू एक्स नॉट होता, ठीक है, तो बाहर अगर आप इसको और एक्सपांड करेंगे तो उसकी एनर्जी और बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, इतना से और बढ़ जाएगी, ठीक है, इस टर्म से और थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये स्प्रिंग का भी केस हो सकता है, किसी भी चीज़ का ये केस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा, अगला जो टॉपिक क्या डिस्कस करना अपन को, अगला जो अपना टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, हाँ ये हम लोग डिस्कस कर लिए, समझ गए हम लोग। और हाँ अब हम लोग एनर्जी रिलेशंस के साथ जो हमने प्रॉब्लम पहले जो शुरू किया था एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक बार जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था जो अपना शुरू का प्रॉब्लम जो था, वेट ए मिनट, ठीक है, इसको डिलीट कर दे क्या, रहन देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। वही प्रॉब्लम लिखे एक बार फिर से हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा इसको, ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग ऐसे जान गए कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे हम लोग कर लेंगे, लेकिन एक बार जब तक उसको करेंगे नहीं तब तक वो फील नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको प्रॉब्लम को करना ज़रूरी है। वो प्रॉब्लम क्या था, वो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था आपका यू एक्स बराबर क्या था, फंक्शन था हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बाई टू एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें, पहला क्या करना है, पहले हमको स्टेबल मीन पोजीशन निकालना है। आप एक बार इसको निकालिए, ठीक है, खुद से निकालिए इसको एक बार जरूर। ये तो ऐसे मैं होमवर्क में देने वाला था इसको, ठीक है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें फोर्स निकाल लेते हैं हम लोग, सबसे पहले फोर्स क्या होता है, माइनस डी बाई डी एक्स, यानी एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। देखो ये जो प्रॉब्लम है इसको आप फोर्स रिलेशन लिख के सॉल्व भी नहीं कर सकते, आपको इसको एनर्जी रिलेशन ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है। एक बार डिफ्रेंशिएट करो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स, ठीक है, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये हो जाएगा इस, अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू, ठीक है, माइनस टू ए बाई टू एम एक्स, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स, और इसको आप जीरो कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, ये टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस ये टू से टू एक बार वो कैंसिल हो गया, माइनस हो गया ए बाई एम एक्स क्यूब, ठीक है, जीरो। अब यहाँ से आप एक्स के वैल्यूज आप निकाल दीजिए, ठीक है, तो ठीक है मैं यहीं पे इक्वल कर देता हूँ इसको, माइनस उधर जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको जीरो करता है। अब ये हो गया आपका, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स पावर फोर, ठीक है, एम उधर चला गया, हाँ ठीक है, ये हो गया ए, एक्स पावर फोर हो जाएगा यहाँ से ए बाई एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक्स के वैल्यूज मिलेंगे कुछ, ठीक है, यहाँ से आपको एक्स के एक्स पावर फोर माइनस मिलेगा आपका ए बाई
ठीक है, यही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ठीक है, ये हैंडराइटिंग थोड़ा मेरा ख़राब हो रहा है। ठीक है, ये 0 हो गया। अब इसको आप लिख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, अभी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ये हम लिख ले रहे हैं एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, इसको भी इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 0 कर देंगे, फिर इसको आप इसको जनरली आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आपका सिंपली आप एक्स जो है यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि ए बाई एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर का पावर ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको चेक करना होगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सीधे एक्स पावर 4 को मैंने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, आने वाला यही है। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। अब इसको हम लोग, पेज खत्म हो गया क्या? ठीक है, तो हमारे एक्स का वैल्यू मिल गया हमको। अब इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या ये जो हमारे एक्स का जो वैल्यू आया है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि नहीं। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है कि नहीं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको d2u/dx स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो हमारा जो टर्म क्या आया था, हमारा जो टर्म आया था एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे वो आया था, हाँ ये था ओमेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये जो फोर्स वाला जो टर्म है। ठीक है, ये वाला आया था ना, ये टर्म आया था अपना। ठीक है, ये फोर्स में क्या किया था, एक बार माइनस हमने लगा दिए थे। ठीक है, तो इसको माइनस हटा देंगे तो du/dx आ जाएगा बस, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस du/dx आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको यहीं सब हटा देते हैं, चीज को यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे जाने पे फिर भूल जाएंगे क्या था। ठीक है, तो हमारा एफ जो ये आया है, ठीक है, तो यहाँ से du/dx हमको क्या मिल जाएगा, बस du/dx। ठीक है, तो माइनस लग जाएगा ना बस, ये हो जाएगा ए बाई एम एक्स क्यूब, माइनस वाले को प्लस लिख दिए। ठीक है, और ये माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा नाट है। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, d2u/dx स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -3 a/mx पावर 4 हो जाएगा, माइनस एम ओमेगा नाट स्क्वायर, हाँ यही होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कहीं इधर हो तो। और इसको आप फिर क्या कर दीजिए, एक्स नॉट पे, एक्स नॉट पे से निकाल दीजिए d2u/dx स्क्वायर का वैल्यू। किस पे निकालिए, एक्स नॉट पे। एक्स नॉट क्या आया था हमारा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा आया था, ये वाला। ठीक है, बस यही वैल्यू आप एक्स का इसमें ले जाकर रख दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा -3 a/m। ठीक है, ये एक्स नॉट है तो एक्स पावर 4 जो होगा ये पावर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए ए अपान है ना, ए अपान एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, d2u/dx² एट x इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स नॉट पर है ये। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा -3 a0। ठीक है, 3 a है, सॉरी ए नॉट नहीं है, ए है। ठीक है, एम नीचे है, ये सब ऊपर चला जाएगा क्वांटिटी, एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये एम से एक, एम से एक, ये स्क्वायर वाला टर्म एक एम बच जाएगा। ठीक है, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा आपका -3 ω0² ये एम है ना, हाँ एम है, -m ω0². ठीक है, ये हो जाएगा आपका -4 m ω0² ये हो गया आपका d2/dx². ठीक है, ये आपको क्वांटिटी क्या मिल गया, ये हम लोग कुछ, ये माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है क्या कुछ, ये माइनस एक बार आपको देखना पड़ेगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा। चलो ठीक है, माइनस वाला टर्म आना नहीं चाहिए, क्योंकि जो देखो जो d2u/dx² है, एक्स एक्स जो d2u/dx² है, सॉरी d2u/dx² है, इसको हम लोग क्या माने हैं के। ठीक है, और ये जो टर्म है ये एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे क्या बताएगा, ये एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे आपका एनर्जी बताएगा ना। देखो यू जो है,
यू क्या बताएगा आपको एनर्जी, और इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो बताएगा मैक्सिमम मिनिमा जो होगा, अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होता तो आपको क्या पता चल जाएगा, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होता है तो यू जो होगा मिनिमा होगा, ठीक है, यू जो होगा मिनिमा होगा। और हमको पता है कि अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर निकालना है तो ये मिनिमा होना ही चाहिए, ठीक है, ये मिनिमा होना ही चाहिए, यानी ये निगेटिव हो, ये पॉजिटिव होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये एक्स नॉट, और यहाँ पे इस चीज़ का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तभी तो मिनिमा होगा ना। ये सब चीज़ें तो यार मतलब मैं सेकेंड लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए, निगेटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो के जो होगा यहाँ से हमको क्या मिल गया, इसी को हम लोग क्या कर रहे थे, के, ठीक है, अब हमको के मिल गया 4m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा के मिल गया। अब आपको एक बार के मिल गया तो फिर आप ओरिजिनल जो ओमेगा है उसका, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वो क्या होता है, के बाई एम होता है, ठीक है, के आप यहाँ से रख दीजिए, ठीक है, के आपका ये है, बाई एम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, यानी ओमेगा जो है, ओमेगा स्क्वायर जो है 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर है, यानी ओमेगा जो होगा आपका वो होगा 2 ओमेगा नॉट, ठीक है, ओमेगा जो उसका ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी होगा वो होगा 2 ओमेगा नॉट, सॉरी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगा 2 ओमेगा नॉट, और यहाँ सब टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो क्या होगा टाइम पीरियड, ओमेगा क्या होता है 2π/टाइम पीरियड, ठीक है, तो यहाँ से 2π/ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा 2 ओमेगा नॉट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका π/ओमेगा नॉट, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप यहाँ से एक फंक्शन से आप ये निकाल दिए, ठीक है, उसका टाइम पीरियड निकाल दिए, ठीक है, उसका ओमेगा तो ऑब्वियस है, जब ओमेगा निकलेगा तभी टाइम पीरियड आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सब समझने में, और अब थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं कुछ, ये सब तो आपका बेसिक जो बताया तो एक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम एक बार आप लोग खुद से कीजिए, इसका प्रॉब्लम ढूंढ के खोज के कीजिए इसका प्रॉब्लम, जो पिछले लेक्चर में मैंने दिया था ना, ठीक है, जो सेकेंड लेक्चर में मैंने दिया था उस प्रॉब्लम को आप उसका भी टाइम पीरियड ऑफ फ्रिक्वेंसी निकाल लीजिए, ठीक है, और हमें बताइए उसका टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी आप निकाल के हमें बताइए, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो मैं नया देने वाला था लेकिन मैं इसको खुद ही सॉल्व कर दिया। अब हम लोग देखेंगे जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने जो प्रॉब्लम देख चुका है उसी को हम लोग अब एनर्जी रिलेशंस की हेल्प से देखेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग वाला तो कैसे हमने देख लिया, एनर्जी से कैसे सॉल्व करेंगे आप, और फोर्स के रिलेशन से कैसे सॉल्व करेंगे आप, लेकिन अब हम लोग देखेंगे एक सिंपल पेंडुलम का ही देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल पेंडुलम को ही देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे फोर्स से, फोर्स मेथड से, फोर्स से इक्वेशन लिख के और दूसरा एनर्जी रिलेशन लिख के, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों की हेल्प से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। ये आपका एक बॉब है, ठीक है, जो कि आपका ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो हम पहले कैसे देखें, ये यहाँ से थीटा एंगल बना दिया है, इधर क्यों चला गया, पहले एनर्जी से देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग फोर्स इक्वेशन से भी देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो देखो एनर्जी रिलेशन क्या होता है, ux नॉट प्लस हाफ के एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो जनरल हम लोग स्प्रिंग में देखे थे, ठीक है, ये एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमें लेना चाहिए था बेहतरीन तरीके से अगर करना हो तो, लेकिन हमने एक्स दे लिया क्योंकि इससे थोड़ा समझने में आसानी होगी, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेने से क्या होगा, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे थीटा आ गया, ठीक है, तो थीटा क्या है, एक्स तो है नहीं, थीटा जो एक्स जो है वो डायमेंशन का लेंथ है, लेकिन थीटा का जो डायमेंशन क्या है वो डायमेंशन लेस है, ठीक है, रेडियन वगैरह में मेजर होता ही है, तो इस केस में आपको एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात करनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हमको पता है कि ये क्या है, ठीक है, तो हमको बस टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना है, के निकालना है, और के क्या है, के क्या है, के है आपका डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इजकल टू एक्स नॉट, मीन पोजीशन पे आपका स्टेबल मीन पोजीशन पे आप डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है, तो इस केस में एक्स तो है नहीं, थीटा है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेना चाहिए था, ठीक है, मुझे क्यू लेना चाहिए था यहाँ पर भी अगर अच्छे से करना हो तो, डी क्यू इजकल टू क्यू नॉट, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ तो रहे हैं यार, हम बता दिए वैसे भी, तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एज्यूम करना होगा, कहीं ना कहीं हमें एक एज्यूम करना होगा एक पोटेंशियल फंक्शन जहाँ से हमें मेजर करना है, ठीक है, यानी यू एक्स नॉट का वैल्यू हमें, ये हमारा मीन पोजीशन है, ठीक है, ये हमारा कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन है, ठीक है, थीटा जो है हमारा जीरो है, यानी इस केस में हमारा क्या कोई फोर्स नहीं लग रहा है,
ऑसिलेशन इसी पॉइंट के अबाउट हो रहा है, यही हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसी पोजीशन का कुछ एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। आप एनर्जी इसका कहीं से भी मेजर कीजिए, अगर आप यहाँ से मेजर करते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एनर्जी को 0 मान लिया, ठीक है, तो आप नीचे आएंगे, आप ग्रेविटेशनल फील्ड में नीचे आएंगे, तो आपका एनर्जी क्या होगा, घटेगा, ठीक है, रिड्यूस होगा, ये हो जाएगा माइनस एम जी एल, ठीक है। अगर आप यहाँ से एनर्जी, अगर एनर्जी आप यहाँ पे 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो आप ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ एनर्जी अलग होगा। तो अब जैसे आपको सॉल्व करने में ईजी हो, ठीक है, आप वैसे कर सकते हैं। तो मैं अगर, ठीक है, मैं कोई एक केस लेकर चलता हूँ, ठीक है, मैं एनर्जी नीचे यहीं पर 0 मान लेता हूँ, ठीक है, कोई भी आप केस ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। आप एनर्जी यहाँ पर 0 ले लिए, ले लिए, ठीक है, यहाँ पर लेंगे और आसान होगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एनर्जी 0, ठीक है। तो अब मैं ऊपर जाऊँगा, जैसे अब बॉब जो है ऑसिलेट हो रहा है, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, तो ये ग्राउंड से इतना हाइट ऊपर चला गया, ठीक है, इतना हाइट, ये इच हाइट ऊपर चला गया, तो इसका एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया होगा, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है क्या, 0 है, ठीक है, तो ये ऊपर एच हाइट पे क्या होगा, तो इसकी एनर्जी बढ़ गया होगा, एनर्जी क्या हो गया, इसका हो गया होगा फाइनल एनर्जी हो गया होगा एम जी एच, ठीक है, एनर्जी हो गया होगा इसका एम जी एच। और एच क्या है, ये हाइट है क्या, ये हमको पता लगाना है। तो देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है ये एल है, ठीक है, और इसका एक प्रोजेक्शन इस पर ले लेते हैं, ये जो आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल आप ज़ूम कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका एक प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या होगा, एल कॉस थीटा होगा, थीटा से जुड़ा वाला है, ठीक है, यानी ये जो हाइट होगा, ठीक है, यहाँ से ये वाला जो हाइट होगा वो होगा एल कॉस थीटा, ठीक है, तो ये पूरा एल, ये एल कॉस थीटा, तो ये कितना होगा, एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है, तो एच जो होगा वो होगा एल माइनस एल कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो एनर्जी जो हम लोग लिख सकते हैं एम जी एच के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, ये हमको एनर्जी फंक्शन मिल गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अगर हमको एक बार एनर्जी फंक्शन मिल गया तो आपको कुछ करना नहीं है, आप सीधे क्या कर लीजिए, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी यू बाई डी थीटा निकाल दीजिए। देखो डी यू बाई डी थीटा निकाल के अगर आप माइनस लगाते तो आपका टारगेट भी निकल जाता, ठीक है, तो आप फोर्थ इक्वेशन में चले जाते, ठीक है, लेकिन हमको ऐसे ही करना है, तो हम डी यू बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा एम जी एल, एम जी एल, ठीक है, एक मिनट, आप चाहें तो यहीं पे कॉस का वैल्यू यूज कर सकते थे, ठीक है, एम जी एल माइनस एम जी एल कॉस थीटा, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, इस टर्म को आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, इस टर्म में तो थीटा है नहीं पहले टर्म में, तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म बचा, इसमें हो जाएगा माइनस एम जी एल तो कॉन्स्टेंट है, कॉस थीटा को हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, नहीं आ गया आपका वैल्यू एम जी एल साइन थीटा, वी हो गया आपका डी यू बाई डी थीटा, हमको क्या चाहिए, डी टू यू बाई डी थीटा, ठीक है, डी टू यू बाई डी थीटा, ठीक है, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, हो जाएगा एम जी एल तो कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और इसका वैल्यू ले लीजिए मीन पोजीशन पे, थीटा का कौन सा वैल्यू जिस पे ये मीन पोजीशन पे है, तो किस वैल्यू पे ये मीन पोजीशन पे है ये बताइए, जब थीटा का वैल्यू आप यहाँ से 0 लेंगे, ये थीटा अगर 0 होता तभी तो ये मीन पोजीशन पे है, तो थीटा का वैल्यू आप क्या लेंगे, 0 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा एच थीटा बराबर 0, तो क्या हो जाएगा एम जी एल कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो आपका के निकल गया, अब आपका यहाँ से क्या निकल गया, के ही तो है आपका डी टू यू बाई डी थीटा, अब आपका के निकल गया, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के बाई, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए, मैं इसीलिए पहले ही बता देते कि एम नहीं होगा, ये क्या होगा, मो इनर्शिया है, ठीक है, तो ये एक रोटेशन का केस है ना, ठीक है, इसमें हम लोग थीटा ले रहे हैं, तो आपका मास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये रोटेशन का केस हो गया, ठीक है, तो एम मास नहीं लेंगे, सिंपल मास नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो इस हम लोग क्या लेंगे, के भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, ठीक है, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो भी हम लोग केस डिस्कस किए, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या, देखिए ये है मास, यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है, और ये हमारा मास एम है, डिस्टेंस यहाँ से एल है, इस पूरे लेंथ का डिस्टेंस क्या है, एल है, तो
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होगा, वो होगा एम एल स्क्वायर, क्या होगा एम एल स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। डी क्या होता है, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास टाइम्स डिस्टेंस का पॉइंट ऑफ डिस्टेंस से, पॉइंट ऑफ रोटेशन से, जो उसका पॉइंट ऑफ एक्शन है यानी जहाँ पे रोटेशन हो रहा है ठीक है, उससे डिस्टेंस का स्क्वायर कर लेते हैं ठीक है। तो मास एम है, एल डिस्टेंस है वहाँ से, तो एल स्क्वायर जो होगा उसके बाद एल स्क्वायर पे ही वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ठीक है, उसी का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। की हो जाएगा के, हमने क्या निकाला अभी, के हमारा क्या आया था, एक मिनट यार सब ऊपर चला जाए, के क्या आ रहा था, हाँ एम जी एल आया था, तो के आया था हमारा एम जी एल, तो इसको हम लोग दिए एम जी एल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, एम एल स्क्वायर ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी बाई एल हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा जी बाई एल, देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एल से एल स्क्वायर तो एल हो जाएगा ठीक है। यानी यहाँ से ओमेगा आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिलेगा आपको रूट जी बाई एल। टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा, टू पाई बाई ओमेगा ठीक है, टू पाई बाई ओमेगा, तो टू पाई अपान ओमेगा करेंगे ठीक है, जी हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, एल बाई जी हो जाएगा। अब सबको पता था कि ये एल बाई टू पाई रूट एल बाई जी ही आने वाला है ठीक है, लेकिन मैंने इसको एनर्जी रिलेशन से इसको सॉल्व कराया ठीक है। आप इसको टॉर्क से भी कर सकते थे, आप इन सब चीज़ों को टॉर्क से भी कर सकते थे ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। आप सिंपली क्या करते, आप वहाँ से जो फोर्स को एक बार डिफ्रेंशिएट किया है ना, उसको आप एक बार माइनस कर लगा देते तो वहाँ से टॉर्क निकल जाता ठीक है। या इसको अगर मैं फोर्स वाले मेथड से कराऊँ, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, अब देखो क्या था, ये एम जी इसका मास था ठीक है, इधर एक कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लाएंगे अलॉन्ग द ये लेंथ ठीक है, ये थीटा एंगल अपना, वही चीज़ है, सब चीज़ वही है ठीक है। मैं इसको टॉर्क वाले मेथड से भी करा के दिखा दे रहा हूँ ठीक है, क्या डिफरेंस आ रहा है। एम जी ये कॉस थीटा हो जाएगा कंपोनेंट, इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा ठीक है, ये थीटा है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा ठीक है, एम जी ये साइन चीज इधर हो जाएगा। तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है ठीक है, ये तो फोर्स जीरो हो गया ना, इधर इधर एक टेंशन भी लग जाएगा ठीक है, इसको बैलेंस कर देगा, फोर्स इधर लग रहा है एफ ठीक है, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से, पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है एल, तो फोर्स टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू आर क्रॉस एफ होता है ठीक है। तो यहाँ पर साइन तो क्या है 90, इन दोनों के बीच में एल और एफ के बीच में डिस्टेंस एंगल कितना है 90, तो क्या हो जाएगा ये बस आर एफ हो जाएगा ठीक है। आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर, एल, फोर्स का वैल्यू है एम जी साइन थीटा ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एजम्पशंस लेने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि एजम्पशंस तो तभी आप ऑसिलेशन का केस करें तो आपको एजम्पशंस जो है लेना पड़ेगा, लेकिन पिछले केस में हमने कहीं एजम्पशन लिया क्या, कहीं हमने कोई भी एजम्पशन नहीं लिया, क्यों, क्योंकि जो हमने यू का वैल्यू जो हमने माना है d2u by dq square ठीक है, q = q0 पे जो हमने वैल्यू माना है, ये बिना एजम्पशन के, क्यों, ये एजम्पशन के साथ ही तो आया था, हमने क्या किया था हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया था, तो एजम्पशन जो हम लोग यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं ठीक है, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं उसमें ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर करना पड़ रहा है वहाँ पे नहीं करना पड़ा था, एनर्जी में हम लोग पहले ही कर चुके हैं वो सब चीज़ ठीक है। तो ये एल एम जी साइन थीटा, एम जी अगर थीटा बहुत छोटा हो ठीक है, थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर ही तो होता है, कि हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा के जगह पर मैंने क्या रख दिया थीटा, हो गया टर्क एम जी एल थीटा। टर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फा ठीक है, मास के जब क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में, और एक्सेलरेशन ए के जब क्या होता है अल्फा होता है ठीक है, ये हो जाएगा एम जी एल थीटा। आई क्या होगा, फिर सब होने वाली चीज है अल्फा, उल्टू हो जाएगा एम जी एल बाई आई इंटू थीटा ठीक है। अल्फा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी सॉरी, हाँ डी टू थीटा बाई डी टू स्क्वायर होता है ठीक है, ये अल्फा होता है, हाँ ये हो जाएगा एम जी एल आई के जगह पर फिर रख दीजिए एम एल स्क्वायर ठीक है इंटू थीटा। यहाँ से आपका मिलेगा क्या, इसको आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, वो हो जाएगा, हाँ एक चीज़ ये माइनस हम लोग छोड़ दे रहे हैं, माइनस आएगा क्यों आएगा, देखो माइनस खुद ही लग जाएगा, क्योंकि देखो एंगल हम लोग मेजर कहाँ से कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में एंगल हम मेजर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं, और फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है,
टार्क किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और फोर्स किधर लग रहा है, एंगुलर रोटेशन किधर डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इन्हें दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। तो दोनों को इक्वल कर, इक्वल साइन तभी लगेगा जब इधर हम लोग एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इधर हम लोग एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस टाइम्स, ये एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक है, एल से ये एल हो गया, ये हो जाएगा जी बाई एल इंटू थीटा। तो अब इस रिलेशन में आपको पता है जब ऐसा चीज आता है तो ये जो कांस्टेंट है ये क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, जी बाई एल वही आया ना जो पहले आया था, तो कोई डिफरेंस है नहीं दोनों के केस में, जो पहले उस केस में आया था वही इस केस में भी एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा। तो ठीक है, कोई बात है नहीं, अभी तक तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। तो ये हमने एनर्जी के हेल्प से और फोर्स के हेल्प से, दोनों के हेल्प से हमने सॉल्व करना क्वेश्चंस को सीखा, ठीक है। एनर्जी के हेल्प से भी आप ऑसिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और आप फोर्स के हेल्प से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, तो हमने काफ़ी कुछ किया उसमें फोर्स वाले में। तो ठीक है यार, अभी तक हमने ये सब चीज़ें सीख लिया, अच्छी बात है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग कंपाउंड और टॉर्सनल पेंडुलम देखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपाउंड पेंडुलम और टॉर्सनल पेंडुलम, तो वो हम लोग देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। और एक बार आप मेरे चैनल पे भी जाओ, ठीक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ पे भी हम लोग मिलेंगे, ठीक है, कंटेंट के साथ। तो पहले सारे चैप्टर्स मैं ही वहाँ पर डिस्कस करूँगा खुद से अपने चैनल पर, और यहाँ पर तो आप कर ही रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर जो जो क्वालिटी है वो सी एस आई आर नेट के लिए है, ठीक है, मेनली जैम के लिए आपको करना है, तो आप वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे चैनल का लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट देखिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको कुछ वीडियो अभी भी मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि जो ये जो सेटअप था, इस सेटअप से वीडियो नहीं बन रहे होंगे उस समय, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे सॉलिड स्टेट जरूर देखिए, मैं तो जरूर कहूँगा कि आप सॉलिड स्टेट का लेक्चर जरूर देखिए अगर आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट, तो ठीक है, काफ़ी कुछ उसमें डिस्कस किया मैंने, और इम्पोर्टेंट वो जैम के लिए ही मैंने वो उसको पूरा एक लिस्ट है 9 या 10 लेक्चर्स का है, आई होप आप वहाँ से उसको जरूर देखें, प्लेलिस्ट ओपन करके, बाकी हम लोग धीरे धीरे और भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।